इस कथा को कहां सुने? कहा कहीं भी सुन सकते हैं, शिवालये च तीर्थे वा बने वापि गृहे थवा। कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थलम उत्तमम। शिवालय में कथा सुन ले, तीर्थ में सुन ले, वन में जाकर सुन ले, अपने घर में आयोजन करके सुन ले, या किसी भी सुंदर स्थल पर शिव पुराण की कथा सुनी जाती है। और मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई बता रहा था कि जहां पे पांडाल बना है महाराज जी, यहाँ पर हल्दी का खेत था। हल्दी को उखाड़ करके पांडाल बनाया गया। तो हमने कहा कि इससे शुभ स्थल क्या हो सकता है? हल्दी हमारे यहाँ शुभता का प्रतीक है। जीवन का सबसे बड़ा मंगल होता है विवाह। किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे मंगलात्मक कार्यक्रम क्या है? विवाह। और विवाह में भी जब तक हल्दी न लगाई जाए तब तक शुभता नहीं आती। तो यहां तो वहां तो केवल शरीर में हल्दी लगती है, यहां तो पूरी मिट्टी में ही हल्दी लगी हुई थी। तो ऐसे स्थल पर बैठ करके कथा सुनने को मिल जाए। और एक बात कहूं, केवल कथा का स्थल ही दिव्य सुंदर पवित्र नहीं है, एक कथा सुनने का महीना भी बड़ा पवित्र है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि शिवरात्रि के महापर्व पर शिव पुराण की कथा मिल जाए, तो इससे बढ़कर मणि कांचन का संयोग नहीं हो सकता। और आप भाग्यशाली हैं, अजंगांव वासी, मालेगांव वासी और नासिक वासी में कह सकता हूं, हमारा राष्ट्र तो बहुत है लेकिन महाराष्ट्र तो एक ही है। तो ये महाराष्ट्र की धन्यता है जहां पर भगवान शिव के तीन ज्योतिर्लिंग है, घुष्मेश्वर है, भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है। इन ज्योतिर्लिंगों से आच्छादित, इनके चरण शरण में बैठ करके शिवरात्रि के महापर्व पर अति रुद्र महायज्ञ में शिव पुराण की कथा मिल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। रुद्र किसे कहते हैं आपको पता है? रुद्र का अर्थ होता है रुजम द्रावयतीत रुद्रः, जो रोग का नाश कर दे उसे रुद्र कहते हैं। और यहां तो रुद्र नहीं, यहां तो अति रुद्र का आवाहन है महाराज। आप यज्ञशाला में दर्शन किए होंगे, 108 कुंड बने हुए हैं, भगवान शिव के 108 नाम भी लिखे हुए हैं। महाराज एक बार दर्शन कर ले तो जन्म जन्मांतर के मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, आध्यात्मिक रोग हो, आपके जीवन के हर प्रकार के रोग का नाश अति रुद्र भगवान कर देते हैं महाराज। तो ये इतने लाभ आपको मिल रहे हैं इस अवसर पर। और ये लाभ ऐसे ही नहीं हुआ है, मुझे तो सच में लगता है कि जरूर यहां पर भगवान शिव की कृपा हुई है। और जहां स्वयं शिवाजी ढोले जी महाराज हो, महाराज जी आरंभ में ही कह रहे थे, तो निश्चित ही शिव की कृपा है। तो यह स्थल भी वह है, लोगों के जीवन में मंगल के लिए हल्दी लगाई जाती है, और जहां पर पहले से हल्दी ही लगी हो तो ऐसा सुंदरतम स्थल मिल जाए कथा सुनने के लिए। एक बात और है, कथा सुनने हम कैसे बैठे? देखिए भागवत में वित्त की बात की गई है, महात्म में ये मिलता जुलता श्लोक है। भागवत में लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और यहां पर क्या लिखा है? कहा विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि। मिलता जुलता श्लोक है लेकिन एक अंतर है। कहा भागवत की कथा में एक बेटी के विवाह में जितना वित्त लगता है उतना लगता है, लेकिन यहां लिखा है एक बेटी के विवाह में आप जितना उत्साहित रहते हैं। व्यक्ति सबसे अधिक खुश कब रहता है? जब वो अपनी बिटिया का विवाह कर रहा होता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है महाराज कि मैं अपनी बिटिया का विवाह करने जा रहा हूं। कन्या दान से बढ़कर जीवन का कोई बड़ा दान नहीं होता, ये बहुत बड़ा दान है। अभी आगे शिव विवाह में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक बेटी के विवाह में जितनी प्रसन्नता और आह्लाद के साथ हम अपनी बेटी के विवाह में लगते हैं, उतनी ही प्रसन्नता और आह्लाद के साथ चित्त को लगा करके शिव पुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए। यहां पर लिखा है
और उतनी ही प्रसन्नता पूर्वक पांडाल में बैठकर शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनक लौकिकी।